हेलो गाइस, माय सेल्फ सुदीप चादरा, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो है, आज से हम यूनिट 3 चालू करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शनल प्लान। सो आई होप कि आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जो है, इस वीडियो के एंड होने के बाद आप उसे भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट जो है प्रॉपरली तैयार होता रहे। मैं आपको बता दूं कि GTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वन एंड ओनली वन जो है आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें पूरा एंटरप्रेन्योरशिप 8 सेम में जो आता है उसका हम कंप्लीट देखने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक और क्लासमेट्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो है उनको भी हेल्प हो सके इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो आज हम कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं? 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। विच आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फॉर द न्यू वेंचर एक्सप्लेन। सो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फॉर द मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च अगर आप न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है मार्केटिंग रिसर्च के लिए कौन कौन से स्टेप आपको बेसिकली फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये सारे मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, और इसको आपको जो है आपको लिखना है इन ब्रीफ। जो है आपको थोड़ा इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटिंग प्लान करते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के, विच आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फॉर द न्यू वेंचर एक्सप्लेन। तो कौन कौन से स्टेप्स है? तो स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग इज़, फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग द बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस सिचुएशन, कौन से बिजनेस आपको करना है और उसका क्या सिचुएशन है, उसका फ्यूचर में क्या ज़रूरत पड़ेगा, वो सब कुछ आपको पहले डिफाइन करना होगा, तभी आप एक का सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। सो कौन कौन से प्रॉब्लम है मार्केट में अभी फ़िलहाल, जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है फॉर द मार्केटिंग पर्पस, सो वो आपको देखना है। देन कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ्स, तो आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है जिससे आप ओवरकम कर पाएंगे, वो भी आपको देखना है। देन एस्टेब्लिशिंग गुड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सो ऑब्जेक्टिव्स वो सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। देन डिफाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्रोग्राम। सो मार्केटिंग, जो भी कंपनी मार्केटिंग करती है अपना, उसके कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज रहते हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके ऊपर कैसे आप एक्शन लेंगे वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, ओके। देन डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंट एक्शन, सबको जो भी आपके स्टाफ से उन सबको जो है अलग अलग रोल देना था और उसके ऊपर वर्क करना, ये भी आपको एक काम होगा। देन नेक्स्ट इज़ बजटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर आपको बजट डिसाइड करना होगा कि कितने पैसे आपके पास है और कितना आप जो है मार्केटिंग पे खर्च कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान, सो जो प्लान बना है उसके उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। देन लास्ट इज द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ मार्केटिंग एक्शन। सो ये है स्टेप्स फॉर द मार्केटिंग। देन नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सबसे पहले प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजी टू अकम्प्लिश द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। कोई भी कंपनी है उसका कुछ मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट रहता है, सो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार होनी चाहिए आपके पास। शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैलिड एजम्पशन। सो जो जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको एजम्पशन लेके, सो मतलब कोई भी थियरी या कुछ भी स्ट्रेटेजी बनती है उसके पहले हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं। सो वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होके आपको अपना वैलिड एजम्पशन निकालना है। देन प्रोवाइड फॉर द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, ओके। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर एक बार आपका स्ट्रेटेजी बन गया तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देन प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूटी, एक जो चीज़ है उसको शॉर्ट टर्म में ख़त्म ना करके थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चालू रखना, ताकि उससे जो है कंटिन्यूटी से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सके। देन बी सिंपल एंड शॉर्ट, बी फ्लेक्सिबल, स्पेसिफाई अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। सो आपको कोई ऐसे स्टाफ भी अपॉइंट करने पड़ेंगे जो उसको प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। सो ये था आज के 2 क्वेश्चन। एक था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, एंड द नेक्स्ट इज़
डिफरेंट स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च फॉर द न्यू वेंचर। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि GTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई और प्लेलिस्ट पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।